या फिर रिवाइज मतलब ना फॉर्मूला ना, के ऊपर। अब तो बस भगवान भरोसे कि जो होगा बढ़िया ही होगा, कोई हाँ टेंशन वाली बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल जी नहीं सर, करनी है, और चिंता काय की करनी है यार। मतलब तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं है, तुम्हारे हाथ में बाकियों का बच्चों का पेपर नहीं है, रैंक नहीं है, कुछ नहीं सोचना है भाई, सब बढ़िया होगा। ठीक है, अल्टीमेटली सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए चिंता किसी को नहीं करनी है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है कि यार कुछ चीजें भाग्य में होती हैं और कुछ चीजें भाग्य में नहीं होती। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप लाख कोशिश भी कर लो, वो चीज आकर चली जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि वो बिना बिना मेहनत के मिल जाती है। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है, मेहनत करना आपके हाथ में है, आपने मेहनत करी, साल भर बहुत अच्छी मेहनत करी आप लोगों ने यार। ठीक है, मैंने सभी को देखा है, हर किसी, देखो हर कोई बच्चा ना अपना बुरा नहीं चाहता, कोई भी बच्चा अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कभी अपना बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, आपसे जितना हो पाया आपने मेहनत करी। ठीक है, आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने मेहनत करी होगी, डेफिनेटली आपने अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही देखा होगा कि 1 साल पहले आप कैसे थे पढ़ाई में, और 1 साल बाद आप, अब जब आपने अनअकैडमी पे या मुझसे इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखी होंगी। तो ये काफी है यार जी लाइफ। सर, ठीक है, कि इतनी सारी चीजें आपने सीख ली, इतनी सारी फिजिक्स हमने सीख ली, ठीक है, इतना पढ़ना सीख लिया, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन सीख लिया लाइफ में, किस तरीके से सच में पढ़ाई करी जाती है ये सीख लिया। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आईआईटी जैम एग्जाम आपको सिखा गया। अब आप समझ लीजिए कि एक दिन में आपका कोई करियर नहीं चेंज हो जाएगा, एक वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, अगर आप में मेहनत करने की लगन लगी रहेगी, और आगे अपनी मेहनत से आप जो है मेहनत करना सीखते रहेंगे, तो कभी मात नहीं खाएंगे। करियर आपका, एक आईआईटी जैम एग्जाम आपका एक करियर नहीं डिसाइड कर सकता, आपकी मेहनत हमेशा आपके डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कहाँ बनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो आईआईटी बॉम्बे बहुत सारे जी स्टूडेंट सर, थे ना, आप मेरे को क्यों जानते हो, या इतने सारे लोग मुझे ही क्यों जानते हैं, क्योंकि कुछ तो मैंने मेहनत करी होगी ना। कि आईआईटी बॉम्बे तो बहुत सारे लोग गए थे, ऑल इंडिया रैंक 25 तो बहुत सारे लोगों की आती है, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एक जगह पर रुक जाना है, लाइफ में बहुत जगहों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज वॉट मैटर्स, कि अल्टीमेटली दिस विल मैटर कि आपने कितनी मेहनत करी है इस साल। एक दिन डजंट मैटर कि आप ना, एक दिन आपका अच्छा गया या नहीं गया, आपका आईआईटी जैम एग्जाम कैसा गया, कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए। आपने अब तक अपना बेस्ट दिया है, आपने अपने अब तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए हो, अपनी मेहनत बेस्ट करी है, तो आगे अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी भाग्य पे छोड़ दो यार। ठीक है, ओके बस सर, किस्मत पे छोड़ दो कि जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और चिंता उस चीज की करनी चाहिए जो अनहोनी हो, जो होना है वो बढ़िया ही होगा यार। ठीक है, मेरा ये मानना है लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं यार, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे वो होती हैं, कुछ बट तो नहीं देखते जो चीज हैं। इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप गिव अप ना करें। ठीक है, जो एक अल्टीमेटली चीज अपनी इच्छा इंपॉर्टेंट है करते सबसे ज्यादा वो ये है कि फिर हैं, से, ठीक है, अपनी उठना। ठीक है, तो बेसिकली मेहनत करते रहना है यार। ठीक पर्सपेक्टिव है, और अपना बेस्ट देना है, कल अपने पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, कि बस इतना सोचना है कि यार मैंने लाइफ में मतलब मेहनत करी है, मैंने अभी अपना बेस्ट दिया है, और मेरे साथ बेस्ट होगा। ठीक है, बस इतना माइंडसेट रखना है कि अगर आपने अपने साथ बेस्ट किया है, आप अच्छा लगातार पढ़ते हुए आए हो, और जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको आप बेस्ट वे में पॉसिबल लगाना। अब जितना सिलेबस रह गया कोई नहीं सोचने की जरूरत, सर ये रह गया, वो पीवाईक्यू पढ़ना था, ये करना था, वो करना था, जो बीत गई सो बात। अब बस दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि यार जो पढ़ा है वहीं से पेपर आना है, और इसी को मेरे को अपना 100% बनाना है। भले ही आपने चार सब्जेक्ट पढ़े हो, अब आपको बस ये समझना है कि इन चार सब्जेक्ट से इतना बढ़िया खेल खेलना है कि कल बहुत बढ़िया मार्क्स आए। समझ में आ रही बात, कि चार सब्जेक्ट के ही सारे क्वेश्चन लगा देने हैं, भले ही चार जी पढ़े सर, हो, पांच पढ़े हो, सात पढ़े हो, तो जितना पढ़ा है उसी से इतनी बढ़िया मेहनत करनी है कि कल आईआईटी जैम एग्जाम निकल जाना चाहिए। ठीक है, बस इस माइंडसेट के जाना है, एग्जाम देने घुसो तो ऐसा लगना चाहिए कि आज जीतने के लिए आए, हारने के लिए नहीं आए। ठीक है सर, वो आम को कौन छेड़ ठीक है, देगा? समझ में आ रही बात सबको, तो हाँ हार के ये नहीं तो जाना। सुन के यस तो थोड़ा सर, बच सही है, पाएगा। इतने बढ़िया माइंडसेट से जाना है कि भाई कल बस एग्जाम मेरे लिए ही है। आप इसको मान के चलो कि ये एंट्रेंस एग्जाम मेरे लिए है और कल मेरा दिन है। सही है, इस बात को दिमाग में रखना है कि भाई ये मेरा दिन है आज, और आज कुछ भी हो जाए ये एग्जाम मैं निकाल के मानूंगा या मानूंगी, और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आपके।
ठीक है, इस ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है माइंडसेट से कि सबको जाना है कल एंट्रेंस देने, ठीक अगर है, हम टफ खुशी होते खुशी हैं जाना है कि यार आज दुनिया का तो बेस्ट दिन अब हम निकल के आया है टफ बस, होते हैं, और होंगे ठीक है सबसे एवरीवन। टफ होते हैं जी हमसे। सर, अरे यस चलो, सर, यस सर, चलिए फिर, और ऑल द अगर वेरी होता है बेस्ट तो मैं एवरीवन, थैंक ठीक है, मीटिंग का यू टाइम भी ओवर हो रहा है, ऑल द सर, वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू बेस्ट सर, टू एवरीवन, ऑल द थैंक यू बेस्ट, सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक ये यू सो मच सर, थैंक यू सर, आगरा थैंक के यू सो आनी मच। है, सभी को आईआईटी में मिलने आऊंगा मैं एक एक करके, ठीक है, तो बस आप सर सभी वन आईआईटी लास्ट में मिलना, क्वेश्चन, आई थिंक टाइम अप हो सर जाएगा, वन लास्ट, मेरे को ग्रुप पे पूछ लो, टैग करके ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है। सर वन लास्ट।